सावन के महीनवा भी आ गल है और 2 साल से ये लॉकडाउन के वजह से बाबा धाम गेल ना ही हो। इन साल जे होता है काहे कर्जा महाजन हो जते चलते है तैयो बाबा धाम जीबो मानबे ना लागो है बोले पड़ते इनखर पापा की तबे न पैसा वैसा की व्यवस्था होता है। आ तू ही यहाँ बैठा ले आ चिंता फिक्र कर ले तो चिंता फिक्र कर बे ना कही की 2 साल से लॉकडाउन हलो 2 साल से बाबा धाम गेल ना ही हो तो ना गेली ना गेली उ सब कुछ ना चलतो काहे कर्जा महाजन हो जे तो चलतो लेकिन बाबा धाम जाए के रहबो हम। देख 2 साल से लॉकडाउन के कारण हाथ गेलो पूरा खाली भई हाथ में 1 रुपया पैसा ना हो से इन साल छोड़ अगला साल देखबे जीवे हम ना मानबो हम जीबो तो जीबो काहे तोर बरिया बेच दी चाहे तोर खेता बेच दी अब हम ना मानबो 2 साल से ना गेली हो। अच्छा की रखल बाबा धाम में तू बाबा धाम कर ले रोजे बहुत कुछ रखल तो एक काम कर हाँ? कल पैसा वैसा व्यवस्था करो यो और बाजार उजार से सामान वान खरीद ले यो और परसों निकल जीबे बाबा धाम लेके जीबे जिद कर ला तो जिहल पड़ते है जीबे करबे हाँ। सब कोई जाते तो हम एक साल जीबे भोला बाबा के दर्शन भी कर लबे हाँ। चल ठीक होता जल्दी तैयार होवेल पर सपनों में कभी कभी भोला बाबा आवो थे तो दर्शन कर लब के हाँ। तब चल चल कल बाजार से सामान उमान लानल पर तो उन्हें जाए के तैयारी भी बनवेल पर हाँ। तो ने हाँ चल
बड़ी मैराथन के तो मैराथन है जेनी ने लबर लबर कर ले चल भी बदरवा में। अरे तोरो बचवे के चाहे ले। हां तो वहां मर्दन मार रहल तू तो कहल हम बचवे और किया के जीत ले ना तो ना मारतल थिन हमरा। चल सामानवा तो ले आइए गलो। हां अब चल जीवे। कने करे नुनू मैया आवाज जोन कर कौन सी हलो। चल चल ले और चलो बगोदर जमुनिया नदिया दन में तो नहा लेबे घर हो के चल जीवे। मतलब यहां वाले कपड़वा में चल जी और वने नहाए धोई के पहन लियो ने। हां बगोदर जमुनिया नदी में नहा लेबे हमने और हम के बाबा धाम चल जीवे। ठीक हो चल। आ ला 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 झोलवा जल्दी चल। जब तैयारी लइए ला लइए तब बाबा धाम चलिए जीव। चाहे पत्थर गिरे पानी गिरे चाहे धूप बरसात ठंडा जे चल सब ले ले लियो। हाँ ठीक ना ना खाली पर चल। Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping. बड़े दूर भी है। बहुत जल्दी करियो। तो जल्दी जल्दी चल भी तब ना हम जब जल्दी। बाबू कुछ दे दे बाबू हमारा बेटा भूखा है बाबू। दे दे बाबू मेरा बच्चा बहुत दिन से भूखा है बाबू। दे दो बाबू। अरे पूजा करके तो यही दे दो बाबू। दे दो बाबू कुछ खा लो। देते हो बड़ी दिन से भूखा है हमारा बेटा भूखा है बाबू। दे दे क्या आने दो बाबू। दे दे पूजा करके आने दो। तुम लोग तो यही सब काम में कर दे। तो अभी पढ़ने का उम्र है तुम्हारा। जाओ पढ़ो लिखो जाओ। ए मोला तेरा दरबार में यही हुए। ए मोला ते लड़ियो तो पूरिया पूरा बेटा पूरा। दास बैठल है किस बात की चिंता में है। की बात है देवी पार्वती। तो पहले बैठ ओकर बाद हम बोलो हियो सारा कहानी। बोलिए स्वामी। देवी पार्वती सावन शुरू है गले और हमनी के भक्त हथी से लाखों जल चढ़ावे वास्ते आ रहल थी। लेकिन तू देखते जी हो कि हमर भक्त के अंदर में कितना सार्वभौलो और इंसानियत है। तू खाली प्रभु के लीला देखते जी। वो कैसे स्वामी? देवी पार्वती उ देखा हमर भक्त कितना श्रद्धालु के साथ आ रही थी। लेकिन वो भक्त के दिल में वो गरीब खतीले दर्द अको कटिना बुझेले। वो बच्चा छोटा सा बालक
पैर पकड़ल के और भूखे तड़प रहा है। लेकिन उस श्रद्धालु के मन में अको जरा सा तरस ना अल। मनुष्य के दिल में एक जरा सा इंसानियत ना है। हमनी के चढ़ावे वास्ते फल फूल दूध जल बेलपात्र लेके उठू हमनी के चढ़ावे वास्ते। लेकिन वो दूध हाथ हम देख रहा लेके जा रहा है। अगर वो दूधा वो बालक पी लत तो समझो कि हमनी पी लत रही। वो बालक खुश और हमनियों खुश। लेकिन हमर भक्त के मन में ये विचार एक जरा सना है। अब हमनी के देखना है कि सच्चा भक्त के है और हमनी तब मानब जब वो बालक के और वो बूढ़ा बुजुर्ग के जे भूख मटा देते वह हमनी के सच्चा भक्त कह लेते हैं तब हमनी खुश हो गए। बिल्कुल स्वामी वही सच्चा भक्त कह लेते हैं। चलो आज का नाश्ता भी हो गया।
अरे बाल तो पूरा भर पूरा क्या है पैसा से दूसरा नंबर आज भी उठा लो उठा ना है बोले बाबा हमने क्या आशीर्वाद दा जे इतना तोर दरबार में जाए खातिर ले इतना हमने के रास्ता में कष्ट हो रहा है आशीर्वाद दे बोले बाबा स्वामी बहुत प्यारा जितना सच्चा भक्त मानो है वो संकट में है होश में आवा स्वामी होश में आवा स्वामी जी वो देखा हमने के भक्त सब के कितना कष्ट हो लगा है कुछ बदमाशन कितने अत्याचार कर लगा है दूर करा उन लोग का अत्याचार दूर करा स्वामी दूर करा बिल्कुल देवी अपन भक्त के हम रक्षा करो ये सुना अब रास्ता में बड़ी कष्ट हो रहल अब ना जेब बोलबम ना जाए पार पारब चल घर घूर अब घूर के चल जेब ना भोले बाबा हमरा बचेल थीन अब चाहे जे होता है हमरा विश्वास है भोले बाबा पर कि आगे भी हर दुख तकलीफ में साथ अब थीन चाहे जे भी होता है हम इंसान भोल बम जीबो तो जीबो तू चल चल रास्ता में बड़ी दिक्कत हो रहा कुछ ना पता है जब तक भोले बाबा मुनि साथ है तब तक कुछ ना होता चल हमने जगह से सब कुछ छीन के ले गए जाल दी हमने शरीर हमने मन है ना भोला बाबा के दर्शन करबे आशीर्वाद लबे और उनखरे इन आशीर्वाद से हमने ठीक ही हो हमने के हाथ में तो लेकिन कुछ ना रहलो हाथ में कुछ रहा है ना कोई दिक्कत ना है हमने मन फ्रेश है मन से हमने जीवे दिल से चल बोल बाम चल बोल बाम 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 देख देख ली हम तोरा कहते ही ने भोले बाबा के आशीर्वाद है जय भोले बाबा जय बोल जय बोल बम बाबा जोर से बोल बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम हम तोरा कहा लियो ने देख ली सब सामानों मिल गला ये सब प्रभु भोलेनाथ की कृपा है के पास जरूर जी एक बात सुन इस जंगलों में तपली हो हाथ पैर हमार कमर भी पूरा धर लेलो लेकिन एक बात हो जैसे जैसे भगवान के नाम लेते लियो और
भोला बाबा के मंदिर जैसे जैसे नजदीक अते गल तैसे तैसे सब दुख तकलीफ दूर हो गए। हाथ पैर कमर जे धर ले लो और माथा जे धर ले लो लेकिन सब दूर हो गए। तोर बात मान के बहुत अच्छा कर लिया, चल बाबा कर बाबा। हे भोलेनाथ, क्षमा करिए प्रभु, ये दूध का दू जगह बांटबो। प्रभु तोहर दरबार में, तोहर द्वार में दो तीन दिन से पता न कब से भूखे प्यासे एक बुजुर्ग एक बच्चा लाचार है, भूखे प्यासे आज तोहरा दूध चढ़ेबो प्रभु। और दू लाचार के है उस सब के दूध दिएगो, इसे क्षमा करिए प्रभु। की बात हो बाबा, तोले कहीं भी लेकर ले कहीं रो रहे हो बाबू। हम लोग चार दिन से भूखे हैं इस भगवान के दरबार, कोई हम लोग को अन्न जल नहीं दे रहा है। चुप रहा बाबू, चुप रहा, चुप रहा। हमने ये हमने दबो ठीक है भगवान, आप लोग को भर पूर्ण रहे। चुप रहा बाबू, चुप रहा। कितना दिन से भूखा ली बाबू? चार दिन से भूखे। चार दिन इस भगवान के दरबार में बहुत अनेक भक्त आलत है, लेकिन चार दिन से कोई भक्त सबके ले लेना है। चुप रहो बाबू, चुप रहो। भगवान इन प्राणियों को लंबी उम्र दे, जो हम लोग को अच्छे ढोरा मत रो बाबा। से पूरा डरो बेटा, तू जाओ बेटा, तू लोग को उस दिन बाहर देते हैं दोनों प्राणी को। मत रो, मत रो, मत रो, चुप। आज हम लोग का संतुष्ट हो गया, बस बेटा जो ठीक हम खा लेंगे, ठीक लेंगे खा। जब तेरे भक्त को भेज दिया बेटा, तोर लिए थोड़ा दूध बचा ले गए बाबा, थोड़ा भगवान के चढ़े लिए और तोहनी नहीं भूखा प्यासा देख के थोड़ा बचा ले गए बाबा, थोड़ा दूध पी ले। ठीक है, माई को गोर लग लो, तेरा माई को गोर लग लो बेटा, यही है। नहीं नहीं, भगवान भगवान का गोर लग लो, भगवान हमें गोर लागे जरूरत ना। ठीक है प्रभु, ठीक है प्रभु। चल ठीक है। हे देवी पार्वती। हाँ स्वामी। आज हमनी बड़ी खुशी है, आज बहुत खुशी है। अभी देखला ने हमर सच्चा भक्त उकी करलकै, हमनी के जे चढ़ावेल आवो हथु फल फूल दूध, और वह दूध जे बर्बाद हो जा रहल है, ई हमर भक्त ना करके भूखे पेट के भूखे इंसान के वह फल फूल और दूध खिला पिला दतल थी तो अकरे में हमनी खुश हली। लेकिन इस तरह से इस पृथ्वी में बहुत कम दिखाई पड़ू है। जाओ भक्त, इसी तरह से तुम फलो फूलो आगे बढ़ो, जीवन में कोई कष्ट नहीं होगा, आनंद से रहो।
सच मायने में मेरा टीम के लोग आप लोगों को बेखुशी से बताए। और होता है कि बहुत जगह हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि मंदिरों में, शहरों में, बाजारों में बहुत ऐसे गरीब लोग रहते हैं जो अपने भूखे पेट के लिए कुछ भीख को मांगते हैं, लेकिन उसे कोई मतलब उस तरीके से देखता नहीं है, कोई देता नहीं है, जिसके कारण क्या होता है कि बहुत लोग भूखे मतलब शिकार हो जा रहे हैं, भूख का शिकार भी हो जा रहा है, मृत्यु हो जा रही है। तो आज की इस वीडियो के बनाने का मकसद यही है कि अधिकतर लोग मतलब भगवान को पैसा चढ़ाएंगे, दूध चढ़ाएंगे, फल चढ़ाएंगे, सब कुछ चढ़ाएंगे, लेकिन जब गरीब की जरूरत होती है खाना खिलाने का तो फिर मिलता नहीं है। तो हम ये कहते हैं कि आप भगवान को भी मानिए, लेकिन गरीब लोग अगर भूखे हैं तो उसे खाना भी खिलाइए। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो बस लास्ट में हम आप लोगों से कहना चाहेंगे कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हम बताना चाहेंगे कि हम लोगों की इस टीम की चार मतलब चैनल है जिसका नाम आज की इस वीडियो जो देख रहे हैं वो जटला झारखंडी में देख रहे हैं, दूसरा है न्यू खोटा कॉमेडी सीरीज जो बहुत जल्द उसमें भी एक अच्छा वीडियो आ रहा है, और तीसरा है आप लोगों के बीच प्यारा नरेश ब्लॉग, इसे भी आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, और एक और है जटला झारखंडी कॉमेडी, आप इसे भी सब्सक्राइब करिए। चलिए आज की इस वीडियो को बस हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, और हम लोग फिर मिलेंगे बहुत जल्द आप लोगों के बीच एक नई कॉमेडी के साथ। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।